शिमला नागरिक सभा के द्वारा कि जो उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये पिछले कुछ समय से आप देखें ना तो शिमला शहर में जो पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है और जो इस आपूर्ति के लिए जो सरकार ने और नगर निगम ने मिलकर जो ये कंपनी बनाई है SJPNL, ये पूरे तरीके से जो है इस पेयजल के प्रबंधन को लेकर जो है विफल रही है। तो आज हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत सरकार जो है इस कंपनी को बंद करे और ये जो पेयजल की व्यवस्था है इसको जो है वो नगर निगम के अधीन जो है दे, क्योंकि संवैधानिक दायित्व है नगर निगम का कि वो जो पेयजल व्यवस्था का जो काम है वो नगर निगम के अधीन है संविधान के तहत, इसलिए जो है वो सरकार जो है तुरंत इस कार्य को करे। दूसरा, आप देख रहे पिछले कई वर्षों से जो है नियमित आपूर्ति जो है वो शहर के अंदर हो नहीं रही है, बावजूद इसके कि 35 से 48 MLD तक आज पानी जो है वो हर रोज मिल रहा है, उसके बावजूद जो है आप चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का चाहे आज भारी बरसात का मौसम है, उस समय भी तीसरे दिन जो है रेशनिंग पानी की गई और कई क्षेत्रों में तो 4 से 6 दिन के बाद पानी मिल रहा है। और विशेष रूप से इसमें जो परेशानी है क्योंकि समय सारिणी कोई नहीं है, कब पानी आएगा, कभी रात को 2 बजे आएगा, कभी दिन में 12 बजे आएगा, तो इसमें जो कामकाजी लोग हैं, जो कर्मचारी है, जो दूसरे लोग हैं जो सुबह निकलते हैं, उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। तो हम आज मांग कर रहे हैं कि एक तो 35 और 48 MLD के बावजूद जो है आप हर रोज जो है इसको आपूर्ति को करें और इसकी समय सारिणी के तहत करें ताकि सभी लोग जो है भर सके। परंतु आप देख रहे पिछले 5 वर्षों के अंदर जो है ये जो भाजपा की सरकार और नगर निगम रही है ये कोई भी सुचारू कदम तो उठा नहीं पाई है। पर शिमला नागरिक सभा के द्वारा ये जो उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये पिछले कुछ समय से आप देखें ना तो शिमला शहर में जो पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है और जो इस आपूर्ति के लिए जो सरकार ने और नगर निगम ने मिलकर जो ये कंपनी बनाई है SJPNL, ये पूरे तरीके से जो है इस पेयजल के प्रबंधन को लेकर जो है विफल रही है। तो आज हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत सरकार जो है इस कंपनी को बंद करे और ये जो पेयजल की व्यवस्था है इसको जो है वो नगर निगम के अधीन जो है दे, क्योंकि संवैधानिक दायित्व है नगर निगम का कि वो जो पेयजल व्यवस्था का जो काम है वो नगर निगम के अधीन है संविधान के तहत, इसलिए जो है वो सरकार जो है तुरंत इस कार्य को करे। दूसरा, आप देख रहे पिछले कई वर्षों से जो है नियमित आपूर्ति जो है वो शहर के अंदर हो नहीं रही है, बावजूद इसके कि 35 से 48 MLD तक आज पानी जो है वो हर रोज मिल रहा है, उसके बावजूद जो है आप चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का चाहे आज भारी बरसात का मौसम है, उस समय भी तीसरे दिन जो है रेशनिंग पानी की गई और कई क्षेत्रों में तो 4 से 6 दिन के बाद पानी मिल रहा है। और विशेष रूप से इसमें जो परेशानी है क्योंकि समय सारिणी कोई नहीं है, कब पानी आएगा, कभी रात को 2 बजे आएगा, कभी दिन में 12 बजे आएगा, तो इसमें जो कामकाजी लोग हैं, जो कर्मचारी है, जो दूसरे लोग हैं जो सुबह निकलते हैं, उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। तो हम आज मांग कर रहे हैं कि एक तो 35 और 48 MLD के बावजूद जो है आप हर रोज जो है इसको आपूर्ति को करें और इसकी समय सारिणी के तहत करें ताकि सभी लोग जो है भर सके। परंतु आप देख रहे पिछले 5 वर्षों के अंदर जो है ये जो भाजपा की सरकार और नगर निगम रही है ये कोई भी सुचारू कदम तो उठा नहीं पाई है।